ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हनीकॉम बुक का चैप्टर 10, जो कि है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट एंड इट इज़ रिटन बाय रामचंद्र गुहा। हम इसमें फर्स्ट पार्ट ही करेंगे और सेकेंड पार्ट के लिए एक और वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है कि इसमें हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे, तो क्या क्या हम जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं कि क्रिकेट ओरिजिनेट कहाँ हुआ, ओरिजिनली इसका क्या फॉर्म था और क्रिकेट के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स पहले कैसे हुआ करते थे और अब कैसे होते हैं, और क्रिकेट इंडिया में कैसे आया और कैसे इतना स्प्रेड हुआ। हम ये सभी बातें इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्रिकेट ग्रेव आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। और हम पहले सबसे ये जानते हैं कि क्रिकेट आया कहाँ से है। तो क्रिकेट एक्चुअली ग्रो हुआ है इंग्लैंड में खेले जाने वाले एक स्टिक एंड बॉल गेम से, जो कि 500 साल पहले वहां खेला जाता था। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। और जो बैट टर्म का यूज किया जाता है क्रिकेट में, उसका मतलब होता है, ये टर्म जो है ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है और उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कोई स्टिक या क्लब, मीन्स कोई छड़ी। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी तक, क्रिकेट हैड इवॉल्व एनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। 17th सेंचुरी आते आते स्टिक एंड बॉल वाले गेम से क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होता गया और एक ऐसी स्थिति में आ गया कि उसे हम एक डिफरेंट गेम की तरह रिकॉग्नाइज करें, पहचाने। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। और यहाँ पे एक और बात निकल के आती है क्या, कि 18th सेंचुरी के मिडिल तक जो बैट्स होते थे क्रिकेट के, वो रफली उसी शेप के होते थे जैसे कि हमारी हॉकी स्टिक्स होती हैं, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, बॉटम पे कर्व्ड होती थी। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन था, द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म। बॉलिंग कैसे की जाती थी? अंडर आर्म मीन्स बॉल्स आर्म से ऊपर हाइट पे नहीं जाती थी, नहीं फेंकी जाती थी। अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। और बॉल्स क्या करती थी, जमीन को टच करते हुए बैट्समैन के पास पहुंचती थी, इसलिए बैट्समैन के पास अच्छा मौका होता था बॉल हिट करने का अगर बैट इस शेप की हुआ करती थी तो। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on 5 days and still end in a draw. एक बहुत ही peculiar सी बात है test match की, cricket की, कि इनका जो match होता है, ये test match, ये 5 दिनों तक लगातार खेला जाता है, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि result नहीं आता है, वो एक draw match साबित हो जाता है। draw match का मतलब होता है result नहीं आना, कि कौन सी team जीती या फिर कौन सी team हारी। No other modern team sport takes even half as much time to complete. और अगर हम क्रिकेट का कंपैरिजन बाकी के मॉडर्न स्पोर्ट्स से करें, टीम स्पोर्ट्स से करें, तो कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो कि क्रिकेट जितना टाइम लेता हो या फिर उससे आधा भी टाइम लेता हो कंप्लीट होने में। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आर एंड अ हाफ। इवन एक फुटबॉल मैच जो है वो भी एन आर एंड अ हाफ, डेढ़ घंटे में या फिर 90 मिनट्स में ही खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल, यहां तक कि बेसबॉल भी कंप्लीट 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच। इवन जो बेसबॉल है गेम, वो भी अपनी 9 इनिंग्स कंप्लीट कर लेता है इन लेस देन हाफ द टाइम, आधे वक्त में, किसके, क्रिकेट का जो एक वर्जन है लिमिटेड ओवर्स वाला, जिसे हम वनडे भी कहते हैं, उसके आधे वक्त में ही बेसबॉल अपनी 9 इनिंग्स कंप्लीट कर लेता है। और ये वनडे क्या होता है, ये एक शॉर्टेंड वर्जन माना जाता है मॉडर्न क्रिकेट का। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। एक और स्पेशल बात यहां पे क्या आती है, कि जो पिच है, पिच जहां पे बॉलिंग और बैटिंग की जाती है, वो पिच 22 यार्ड्स का होना चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए। बट जो ग्राउंड है, एंटायर ग्राउंड, पिच को छोड़ के जो बाकी का ग्राउंड है जहां पे फील्डर्स तैनात होते हैं फील्डिंग के लिए, उसका कोई शेप और कोई साइज निर्धारित नहीं होता है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन
द डिमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया. और जो बाकी के ज्यादातर गेम है टीम स्पोर्ट वाले, जैसे अगर हम हॉकी या फुटबॉल की बात करें, तो वो अपना एक डिमेंशन एरिया, अपना एरिया सब डिसाइड करके रखते हैं कि हमारा फील्ड, हमारा ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए. क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट के केस में ऐसा नहीं है. अब जब बात यहाँ पे हॉकी की आई है, तो अगर आपको मालूम है कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम और इंडियन मेन हॉकी टीम के कैप्टन्स कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड्स ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई. जो क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, जैसे कि एडिलेड ओवल है ग्राउंड, ये एडिलेड में है जो, वो ओवल है, और नियरली सर्कुलर, और नियरली सर्कुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि चिपॉक चेन्नई में है. ओवल हो जाता है एक जैसा थोड़ा ऐसा, और सर्कल हो जाता है पूरा राउंड. तो हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो इस शेप के भी हो सकते हैं और इस वाले शेप के भी हो सकते हैं. अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. अब अगर आप मेलबर्न में खेल रहे हो, मेलबर्न एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको सिक्स स्कोर करने के लिए, एक छक्का मारने के लिए आपको ज्यादा दूर तक बॉल मारनी पड़ेगी. ओके, बल्कि अगर आप फिरोज शाह कोटला मैदान में खेल रहे हो और तब आपको अगर सिक्स हिट करना है, तो आपको बॉल को ज्यादा दूर तक हिट करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड से बड़ा है. सो ऑब्वियसली जब ग्राउंड बड़ा होगा, तो आपको सिक्स स्कोर करने के लिए, मींस बॉल को बाउंड्री के पार भेजने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. देयर्स अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज. और ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं, इनके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन भी है. क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड. क्रिकेट जो है सबसे पहला मॉडर्न टीम स्पोर्ट है जो कि कोडिफाई किया गया, जिसके कि रूल्स बनाए गए. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744. क्रिकेट के पहले लॉज कब ड्रॉ किए गए, कब बनाए गए? 1744 में. और ये रूल कहता है कि द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शैल एब्सोल्यूटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. क्रिकेट को इनिशियली जेंटलमैन का गेम भी कहा जाता था, तो ये रूल बना कि जो भी वहाँ खास लोग जमा होते हैं मैच देखने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें से ही दो लोगों को चूज किया जाएगा जो कि अंपायर का रोल प्ले करेंगे, और वो ही सारे फैसले लेंगे अगर कोई विवाद होता है तो उस केस में भी. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस. स्टम्प्स की हाइट क्या होनी चाहिए? 22 इंच की. और जो ये गिल्लियां लगी होती हैं इन पे, इसकी होनी चाहिए 6 इंच. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्सेस एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट. और जो अब बाकी के रूल्स हैं वो क्या हैं? ये है कि जो बॉल है उसका वेट होना चाहिए 5 या फिर 6 ऑन्सेस लगभग, एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट. और जो दो सेट स्टम्प्स के लगते हैं वो दोनों एक दूसरे से 22 यार्ड्स की डिस्टेंस पे होने चाहिए. जो ये तीन स्टम्प्स एक तरफ लगते हैं, फिर बीच में ये पिच होती है, फिर तीन स्टम्प्स लगते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये 22 यार्ड्स होनी चाहिए. ये भी एक रूल है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हम्बल्डन इन द 1760s. वर्ल्ड का जो पहला क्रिकेट क्लब बना वो कहाँ बना? इंग्लैंड का एक गांव था हम्बल्डन, वो 1760s में वहां पे क्या बना? पहला क्रिकेट क्लब बना. एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787. और मेलबर्न में कब क्रिकेट क्लब बना? 1787 में. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब 1760s और 1770s आते आते एक थोड़ी सी बात चेंज हुई क्रिकेट में, बॉलिंग में. वो क्या थी कि जो पहले बॉलर्स बॉल डालते थे वो जमीन को टच करते हुए बैट्समैन तक पहुंचती थी, अब ये कॉमन हो गया कि बॉल जो है हवा में उछाल के फेंकी जाए. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है कुछ इस तरीके से.
This change gave bowlers the options of length, deception through the air plus increased pace. अब ये change आने से bowlers को बहुत फायदा हुआ, जैसे कि उन्हें अब ball की length ज़्यादा मिलने लगी. Deception through the air का मतलब ये है कि वो batsman को distract करने में कामयाब होने लगे, plus increased pace और speed भी ball की तेज हो गई. It also opened new possibilities for spin and swing. इससे spinning, ball spin कराने की और ball swing कराने की भी नई possibilities मिलने लगी bowlers को. In response, batsmen had to master timing and shot selection. और इसके चलते फिर क्या हुआ? जो batsmen हुआ करते थे, उन्हें अब जरूरत पड़ गई थी master करने की, किसकी timing की और shot selection की, कि कौन सा shot इस ball पे, इस particular ball पे मुझे खेलना चाहिए. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. और ये सब changes आते आते एक क्या और immediate result हुआ इसका, कि bat का जो है structure change हो गया. अभी ये वाले structure में bat आ गई. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.3/4 ounces. Ball का जो weight है वो अब इतना पहुंच गया, 5.5 to 5.3/4 ounces and the width of the bat to 4 inches. जो width होती थी bat की ये वाली, ये 4 inches होने लगी. In 1774, the first leg before law, leg before law जो LBW का rule होता है cricket में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है. First leg before law was published, पहला law आया इससे related, LBW से related, कब? 1774 में. Also, around this time, a third stump became common. एक third stump बहुत ही common हो गया, उसको भी लगाना. ये third stump की बात यहाँ पे हो रही है. By 1783, days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first six-seam cricket ball. अब 1780 आते आते क्या हुआ? जो मैच का ड्यूरेशन है वो 3 दिन का हो गया. लेंथ ऑफ अ मेजर मैच, जो बड़े मैचेस होने लगे उसकी जो ड्यूरेशन हो गई वो 3 डेज की हो गई. एंड द सेम ईयर सॉ द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल. सीम यहाँ पे ये जो थ्रेड्स की लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 सीम क्रिकेट बॉल 1780s से यूज होनी शुरू हो गई. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. अगर हम cricket के equipments पे देखें कि कैसे वो changing time के साथ change होते जा रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हाँ, काफी कुछ change हो गया है cricket के beginning से अब तक में. किन में? Equipments में. चाहे वो सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं या फिर पिच पे क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट काफ़ी कुछ चेंज हो चुके हैं. बट एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने की है कि इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद जो फंडामेंटल चीज़ है क्रिकेट की, वो अभी भी एज इट इज़ है और वो अभी भी यही बताती है कि क्रिकेट कैसे इंग्लैंड के रूरल एरिया से ओरिजिनेट हुआ है. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स. क्रिकेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो सभी नेचुरल चीज़ों से बने हैं. और प्री इंडस्ट्रियल का मतलब होता है बिफोर द सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, जबकि इंडस्ट्रीज नहीं बनी हुई थी तब के वक्त जैसे काम होता था, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी क्रिकेट की चीज़ें बनाने के लिए, क्रिकेट के टूल्स बनाने के लिए, अभी भी ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा है. The bat is made with leather, twine and cork. Bat किसका बनता है? Leather का बनता है, twine होता है strong thread एक तरह का, और cork. इन तीन चीज़ों को मिला के क्रिकेट का बैट बनता है. Even today both bat and ball are handmade. और अभी भी आज की डेट पे भी जो क्रिकेट का बैट होता है, जो बॉल होती है उसकी, वो दोनों ही हैंडमेड यानी हाथ से बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. वो फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं. द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, बट जो मटीरियल यूज किया जाता था बैट को बनाने में, वो स्लाइटली टाइम के साथ चेंज हो गया. स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस वुड. क्या होता था पहले? पहले ये एक सिंगल पीस लकड़ी का लेके उसी से काट के बनाया
जाता था. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज, और अब क्या है, अब ये दो पीसेज में बनता है. पहले क्रिकेट का बैट सिंगल पीस वुड लेके उसी को शेप देके बनाया जाता था, बट अब ये दो पीसेज में बनता है. द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनीज एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया. अब जो क्रिकेट का ब्लेड है, ब्लेड हो जाएगा जो ये लंबा वाला पार्ट होता है, ये बनता है विलो ट्री के वुड से. एंड द हैंडल, हैंडल यहाँ पे जिसको हम पकड़ते हैं वहाँ पे, वो बनता है केन का. केन होता है, हम बांस इसको समझ सकते हैं. और ये बांस से बनना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब यूरोपियन कॉलोनीज ने अपनी कॉलोनीज सेटअप की एशिया में, तो उन्हें बांस इजीली मिलने लगा और उन्होंने पाया कि ये स्ट्रांग मटेरियल है, तो उन्होंने इसका यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया बैट के बनाने में, स्पेशली बैट का हैंडल बनाने में. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स. गोल्फ और टेनिस क्या है, वो मैन मेड मटीरियल यूज करते हैं अपने इक्विपमेंट्स बनाने में, वो कर लेते हैं. बट उनके अपोजिट क्रिकेट ने रिफ्यूज कर दिया है ऐसा करने से. क्रिकेट ये यूज करता ही नहीं है. और कौन से मैन मटीरियल हैं जो क्रिकेट ने रिजेक्ट किए हैं, वो हैं प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, मेटल, ये सभी रिजेक्टेड हैं क्रिकेट की साइड से. बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जब बात आती है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, जैसे ये पैड्स हो गए, ये ग्लव्स हो गए, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. क्रिकेट जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो टेक्नोलॉजी तकनीकी में जो चेंज आया है, उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ है. द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड यानी कि हार्डन्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स. जब हार्डन्ड रबर जो है उसका इन्वेंशन हो गया, तो क्रिकेट में पैड्स इंट्रोड्यूस किए गए. पैड्स क्या हैं, जो पैरों पे लगाते हैं, जिससे कि जो प्लेयर्स हैं वो बचे रहें किससे, बॉल से. एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और उसके थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही टाइम बाद, प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो हाथों में पहने जाते हैं सेफ्टी के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस हुए क्रिकेट में. एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स. और मॉडर्न गेम तो जो हेलमेट आजकल प्लेयर्स पहनते हैं उसके बिना तो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता. मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स, ये किसका बना होता है, मेटल का बना होता है और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स का बना होता है क्या, क्रिकेट का हेलमेट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, और सेकेंड पार्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो का सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग.